अपने पैसे, अपने निज़ाम, अपनी नौकरियां, अपना सिस्टम, लोगों के बूट टेप लगा के उनको उनकी हैसियत में रखा, ग्रिप लगा के रखा, ना उनको तरक्की करने दी मौशी तौर पर, ना उनको तरक्की करने दी सियासी तौर पर, ना उनको तरक्की करने दी गई तालीमी तौर पर। यही वो ट्रेनिंग है जो इन लोगों ने नहीं होने दी लोगों की पॉलिटिकल ट्रेनिंग, कि अगर ये समझ जाएंगे बात को तो ये हमसे सवाल करेंगे, फिर ये अपने ये अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। सईम साहब, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पर ऐसे आपको रोज कंटेंट मिलता हो? अरे ये तो सियासत का, और स्पेशली उसी चीज की एक एक नई शक्ल रोज मिलती है। रोज नई शक्ल, जो कल हो रहा था वो आज उसके मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ गुफ्तगू शुरू होगी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत का जो ये हुकूमत की जो ये कोशिश है वो तो सिर्फ अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग राइटली सो कह रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है या 45 की, मुझे समझ नहीं आ रही है। बहरहाल लोगों ने वोट कोई नहीं दिए उनको। अब उसके बाद जो हुकूमत है वो इस वक्त ऑब्वियसली उस ढोंग को रचा कर नेशनल कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस बहरहाल है तो हर मुल्क की वक्त की जरूरत और हमारे यहाँ तो इसकी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली जो है वो एक वाबिल मुल्क नहीं बन पा रहे इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, तो इवेंचुअली आप जो है वो आगे मईशत को लेकर आगे नहीं चल सकेंगे, पहिया ही नहीं चलेगा, जैम हो जाएगा सब कुछ। अब देख रहे हैं आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से, और वो एक बहुत बड़ा थ्रस्ट है। उसमें हमारा दुश्मन मुल्क जो है उन्होंने बड़ी ज्यादा हर्जासराई की है और वो उसको किसी और रंग में लेके जाना चाह रहे हैं, करने की कोशिश करते हैं, जिसकी हम शदीद मुजम्मत भी करते हैं, और उन तमाम लोगों ने भी इसकी मुजम्मत की है जो एक बहुत बड़ी चपेड़ मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के मुंह पर, और उनको बताया गया है कि तुम अपनी जो तुम कश्मीर में ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर रहे हो, यहाँ वो हालात नहीं है। ये तो अपना उनका एक इंटरनल मामला है कि हमें एक रिएक्शन है कि भाई हमारे बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं और हमारी वहां तो तुम तो कब्जा करके बैठे हो, और तुमने तो दुनिया जेल बनाया वैसे, ओपन प्रिजन। जेल के अलावा आपने यूएन को जो है वो धुतकार दिया वहां से, प्लेबिसाइट का हुक्म यूनाइटेड नेशन दे चुकी है, आपने मैसेकर करके अब जेनोसाइड कर रहे हैं, अब तो नस्ल कुशी कर रहे हैं मुसलमानों की और कश्मीरियों की। आईन में जो खसूसी हैसियत थी आजाद कश्मीर से, खसूसी हैसियत आईन में से खत्म कर दी। जी हां, वो तो वो उसको, और उससे जो चार लोग उनके साथ थे जिसमें हिंदू भी शामिल है, वो भी उनके खिलाफ हो गए गवर्नमेंट के उसके खिलाफ, बिकॉज दे वर एंजॉयिंग ऑल द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ड्यू टू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। तो मैं वापस आता हूँ कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है उसमें यकीनन हुकूमत तो ये कुछ दवा कोशिश करेगी कि ये इस बात के डायलॉग में कि हम अपना तवालत अख्तियार करें। अपोजिशन को मेरे ख्याल में उनका ब्लफ कॉल करना चाहिए, ये टाइम बाय करने की कोशिश जी बिल्कुल ही कर रहे हैं। अच्छा। उनको जाके उनके साथ बैठना चाहिए, अपने जाके सारी चीजें लोगों उनके सामने रखें और लोगों को बताएं कि जी हम तो आ गए। जब आप रिएक्ट करते हैं ना मैनर कि हम बातचीत ही नहीं करेंगे, तो ये अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड होता है। इसका नुकसान आपको होगा, इसका नुकसान अपोजिशन को होगा। आपको बिल्कुल खुले दिल से कह रहे हैं जी सुबह आए जी बैठे, लेकिन वो और आप उनको उनको कॉल को उनका ब्लफ कॉल कर दे, और फिर वो तो जो उन्होंने किया हुआ है वो तो वो नहीं कर सकते। तो जब उनका ब्लफ कॉल हो जाएगा तो वो कोशिश अपने इक्तदार को दवाम देने की खुद ब खुद डाई डाउन हो जाएगी। अपोजिशन जमातों का ये मौकिफ है, वो ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, उसके बाद हम बात करेंगे, तो ये गैर मशरूत मुज़ाकरात पॉसिबल है? हमने ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, और वहाँ पे आपको ये मतमईन नजर रखना चाहिए कि आप कि ये मुतालबात हैं, आप उन पर हमसे डायलॉग कीजिए। अगर वो उस पर डायलॉग करेंगे तो कहीं आएंगे ना, लीड समवेयर, तो इनको ये पता लगेगा कि इनका फायदा हुआ है। और ये ऑब्वियसली अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके पॉइंट्स हैं उन पर स्ट्रेस करें और उसको लेके कौम के सामने, ताकि लोग कौम कम अज कम ये समझे कि ये सिर्फ लड़ाइयों के चक्कर में नहीं है, ये सिर्फ धरनों की सियासत, गाली गलौज की सियासत, असेंबलियां तोड़ने की और असेंबलियों से बाहर आने की सियासत नहीं करते। ये सियासत कम से कम तो हो रहा है, लेकिन पार्टियां बढ़ती जा रही हैं, मसाइल नहीं बढ़ रहे हैं। दुनिया में तो बहुत बहुत ज्यादा तादाद होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन जो ये पार्लियामानी जमहूरियत हमारे यहाँ अंग्रेज हमें तोहफे में देके चला गया है, उसका उसके कॉन्सेप्ट में यकीनन ये अजीब सी बात लगती है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है जी उन लोगों को आगे लेके आने की जो उन 60-65-70% पर की बात करना चाह रहे हैं जो इन पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा नहीं है। वो 30-32% लोग जो वोट इनको देते हैं उनको भी रास्ता नहीं है। दो लोग लड़ रहे हैं आप इसमें तो क्या करें, जब आप आके एक एक नई एक, एक और अगर
शायद खाकान अब्बासी साहब ने, वो ये कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टी बनानी है जो कि जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी आगे है जिसमें वो इकट्ठे मिलकर बना रहे हैं, जिसमें जिसमें जो है वो एक आदमी शख्सियत परस्ती हो, फैमिली ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हो, अपनी मर्जी हो, अपने मर्जी की पॉलिसीज बने, तो फिर ये काम इसका हाल आईपीपी वाला तो नहीं होगा। नहीं, वो हो नहीं सकता, क्योंकि आईपीपी जो है वो तो एक सियासी जमात को तोड़ के बनाई गई थी, यहाँ पे वो अमल नहीं है। और अगर आपने उसी अपना खतूत पर जो पॉलिटिकल पार्टीज पहले मौजूद है एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना देनी है तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको कोई कोई बात इस तरह करनी पड़ेगी कि वो लोग जो इस किस्म की सियासत से डिसग्रंटल्ड हैं, उसे तंग हैं, वो आप इनकी तरफ देखें तो फिर फबिया लोग जो है उसको पसंद करेंगे। लंबा प्रोसेस है। ओवरऑल तज़िया आपका क्या है कि कामयाब होगी मिफ्ता इस्माइल की पार्टी, उनकी शख्सियत कैसी? मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे नहीं सकता, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो मैंने अर्ज किया है कि जिस निज़ाम की बात हो रही है, जिसको लोग जिससे तंग बैठे हुए हैं, अगर उससे हटकर कोई चीज ऐसी की जाएगी, क्योंकि वो चेंज तो जो है वो एक्सप्लॉइट हो गया ना इस मुल्क में बहुत बुरी तरह, तो कोई जिद्दत किस तरह की लाई जाए जो लोगों के दिमागों में अपना बैठे, और वो 60% लोग जो इन पॉलिटिकल पार्टीज की नाकबत अंगेश जो सियासी लड़ाई है इक्तदार के हसूल की, उसको अगर वो समझ ले तो यकीनन रूम मौजूद है। ये सर विद इन अ पार्टी भी अब तब्दीलियां आ रही हैं, अभी नवाज शरीफ साहब सदर बनने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी सदर थे, बात तो होती तब, बात तो होती तब कि नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी और आदमी को 40-40 साल से लोग बैठे हुए हैं नवाज, वहाँ पे बैठे हुए हैं एहसन इकबाल साहब हैं, वहाँ सादर रफीक साहब हैं, वहाँ और बड़े लोग हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनको सदर बनाते तो पता लग जाता कि कितने पानी में है भाई जान। बात तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है ना, कि अपने घर से बाहर बात नहीं जाने देनी, तो फिर अगर लोग रहना चाहते तो रहे, तो लोग जाके दें वोट इनको, बाकी लोग भी बात नहीं करते, बात जो बात करता है उसको फारिग कर देते हैं। अच्छा, जो बात करता है इज फिनिश फॉरएवर, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो। इमरान खान साहब ने कल शेर अफजल मरवत के साथ क्या किया बेचारे के साथ, वो इन्हीं की बात कर रहा था ना, इन्हीं की जंग लड़ रहा था। तो इनको प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, यहाँ बाहर की लड़ाई नहीं होती, लोग अंदर की लड़ाई पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदा रहना होता है। जो शख्स अपनी अपनी क्या कहते हैं बका के लिए या सियासी बका के लिए आवाज उठाता है, तो अवाम में उसे उस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है बाद में, क्योंकि ये भी कहा जाता है जैसे वोट नवाज शरीफ का है या वोट फलां का है, सिर्फ क्यों मतलब ये क्या है, और दुनिया में किसी मुल्क में है जिस जमहूरियत से हमने ये चरबा किया है जमहूरियत, वहां ये है 25 पार्टियों में एक पार्टी 20 दफा आई है, 19 दफा मुख्तलिफ लोग आए हैं एज प्राइम मिनिस्टर्स, चाहे वो टोरीज हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो दूसरे हो। तो अर्ज ये है कि अमेरिका में भी अब देख लें कदगन लगा दी हमने, अर्ज ये है कि अगर आप इस प्रोसेस को चलेंगे, को लेके चलेंगे, तो फिर तो वही बात है ना, फिर तो फिर लोगों को पता, यही वो ट्रेनिंग है जो इन लोगों ने नहीं होने दी लोगों की पॉलिटिकल ट्रेनिंग, कि अगर ये समझ जाएंगे बात को फिर ये हमसे सवाल करेंगे, फिर ये अपने अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। वो ओलिगार्की इसी को कहते हैं ना, मैं बार बार एक बात का जिक्र करता हूँ कि अपने पैसे, अपने निज़ाम, अपनी नौकरियां, अपना सिस्टम, लोगों के बूट टेप लगा के उनको उनकी हैसियत में रखा, ग्रिप लगा के रखा, ना उनको तरक्की करने दी मौशी तौर पर, ना उनको तरक्की करने दी सियासी तौर पर, ना उनको तरक्की करने दी गई तालीमी तौर पर। ये जो तालीम रोकते हैं ये लोग, वो इसीलिए रोकते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स की आप हालत देख लेना, भैंसे बंदी हुई है नब्बे फीसद जगह पे, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और प्राइवेट स्कूल्स वाले जो है वो बेचारे, खैर लोअर ग्रेड वालों को तो मैं सलाम पेश करता हूँ, लेकिन जो अपर ग्रेड वाले वो तो खरबापति हैं, 5-5, 10-10 अरब रुपया महीने का प्रॉफिट है उनका, लेकिन वो गरीब लोग बेचारे जिनका जिनको पढ़ाना जो मेजॉरिटी है 4 के तहत हुकूमत की जिम्मेदारी है, उन तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। ज़ाइम साहब वक्त बहुत कम है, लास्ट में बस ये बता दें कि आप वक्त कौम के पास भी बहुत कम है बेटा, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, ये अगर अभी आपने अपना रिएक्शन ना दिया और कौम खड़ी ना हुई इन इन लोगों के खिलाफ, तो मैं माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि फिर ये मामला आगे नहीं चलेगा। तो ज़ाइम साहब जितनी बुलंद इमारतें बन रही, मुझे लग रहा है ओवरऑल वक्त कम है। नहीं नहीं, वो गहरी बात कर, देखिए हाँ वो देखें आप, वो कयामत का कुर्ब है कि वो हमने तो लाहौर जैसे शहर को वो कसूर तक ब्राउन कर दिया ना, सोसाइटियां काट काट के, तो आप हाई राइजेस यहाँ क्यों नहीं बना रहे भाई? Eventually, आपका जो फूड बास्केट है वो कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड कटती चली जा रही है,
एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी वाइप आउट हो जाएगी, आप भूखे मर जाएंगे, इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी आपको वो सपोर्ट नहीं दे सकती जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी देती, क्योंकि आप बेसिकली है ही एग्रो बेस्ड इकोनॉमी. एग्जैक्टली. आप अपने आप को ओवर निर्भर अभाव जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो है अमीर से अमीरतर होने के लिए, जो अरबपति और खरबपति लोग हैं. मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, बिल्कुल ओपन मार्केट पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना कि कल को हमारे मुल्क के लोगों के साथ क्या होगा. अरबपति को भी रोटी और गंदम नहीं मिलेगी, और जो गंदम के साथ आपने कर दिया है इंशाल्लाह अगले साल भी लगाएगा. खूबसूरत बात आपने की कि वक्त वाकई बड़ा कम है और वक्त हमारा खत्म हो गया है. दुआ ये करेंगे कि हमारे मुल्क का वक्त खत्म ना हो, ये चलता रहे और बेहतरीन. ये अल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ मुल्क है, इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं होगा. इसके खिलाफ इसके इस पर बदनजर डालने वाले जो है वो खाकस्तर हो जाएंगे.